वेलकम टू कुक एंड बेक एकेडमी। मैं शेफ कमल रावत और आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल मोमोज। बहुत ही इजी की तरीके से आपकी रसोई किचन में बन सकता है। आइए इसकी इंग्रेडिएंट देखते हैं। आइए बनाते हैं वेजिटेबल मोमोज का मिक्सर। हमने गोभी को चॉप किया हुआ है। फाइनली हम उसमें डालेंगे थोड़ा ऑनियन, चॉप कैरेट, चॉप गार्लिक, चॉप जिंजर, कोरिएंडर, हरा धनिया चॉप, ब्रोकली चॉप, अदरवाइज नहीं भी डाल सकते हैं, रेड येलो पेपर, फ्रेश रेड चिली चॉप। सॉल्ट, वेज ब्रोथ पाउडर, एरोमेटिक पाउडर, वेजिटेबल वस्टर सॉस, पनीर के टुकड़े हैं जो इसमें मैश करेंगे। ये हो गया हमारा वेजिटेबल मोमोज का मिक्सर रेडी। आइए बनाते हैं वेजिटेबल मोमोज। ये मैंने मैदा लगा के रखा हुआ है। सिंपल तरीके है इसके लगाने का। आप चाहे तो इसको दूध में भी गूंथ सकते हो, नहीं तो पानी में भी गूंथ सकते हो, बट थोड़ा सा नमक डालना ना भूले, ताकि नमक डालने से इसका स्किन जो है सॉफ्ट रहती है। इसको ऐसे रोल करनी है, इसको छोटे छोटे टुकड़े में, यानी कि 8 से 10 ग्राम के पेड़ा होना चाहिए। स्किन भी पतला रहेगा और स्मूथ भी रहेगा। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें सूखा मैदा, ताकि एक आपस में ना चिपके। फिर इसको हम कवर करेंगे, पीस निकालेंगे, थोड़ा सा मैदा लगाएंगे और इसको इस तरीके से बेलेंगे। आइए अब मोमोज को स्टीम करते हैं। स्टीमर में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे नीचे, ताकि ये चिपके ना। ऑयल हमने लगा दिया है। अब डालेंगे इसमें ब्यूटीफुल मोमोज। ये वेजिटेबल मोमोज है, यानी कि 4 से 5 मिनट में ये पक जाएगा। आइए हमारा वेज मोमो रेडी हुआ या नहीं। ऑलरेडी 7 मिनट हो चुका है। बहुत ही अच्छा स्टीमर, वाओ, मोस्टली हो गया है ये। इसको हम बंद करेंगे, हम इसको प्लेट में अब सर्व करेंगे। वेरी
वेरी नाइस। हमारा वेज मोमोस रेडी है, प्लीज़ आप अपने घर पे भी बनाइए, ट्राई करिए। थैंक यू।